सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑनियन हेयर ऑयल एंड ऑनियन शैम्पू के बारे में। जानेंगे क्या होता है ऑनियन हेयर ऑयल और ऑनियन शैम्पू और किन कंडीशन में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्या ये वाकई में इफेक्टिव है और इन्हें आप घर पर कैसे बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें, ताकि आपको जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आते हैं उसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ यदि आप फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे हम एवरीडे 7 PM पर लेकर आते हैं। पेड कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर 9305024291 पे मैसेज करके डिजायरेबल टाइम के अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रीटमेंट प्लान बाय कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि ऑनियन ऑयल एंड ऑनियन शैम्पू क्या होता है। बहुत से लोगों को आपने आजकल इस मेथड का यूज करते सुना होगा और मार्केट में तरह तरह के शैम्पू एंड ऑयल अवेलेबल है ऑनियन ऑयल के नाम से। आखिर इतना ज्यादा ये ऑनियन ऑयल क्यों पॉपुलर हो रहा है? बिकॉज ऑनियन, आपकी जो प्याज होती है उसमें नेचुरल सल्फर पाया जाता है। सल्फर, सल्फर का नाम आप सभी ने सुना होगा कभी ना कभी। सल्फर एक बहुत ही बढ़िया आपका कहने का सेंस है इंग्रेडिएंट है, जो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहता है किसी भी तरह के स्किन की प्रॉब्लम में। ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी काम करता है। बहुत से लोग कहते हैं उनके बालों में एक परत जैसी जम जाती है, फ्लेकिंग टाइप की रहती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, खुजली की प्रॉब्लम रहती है, रेडनेस की प्रॉब्लम रहती है। तो ये जितनी भी आपकी कंडीशन होती है, बेसिकली ये है आपकी स्किन डिजीज टाइप की। तो जो स्किन डिजीज की कंडीशन है उसमें इस प्याज के अंदर मौजूद नेचुरल सल्फर बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। ये जो ऑनियन ऑयल है मार्केट में भी अवेलेबल है रेडीमेड, और इसके अलावा आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। बहुत से लोग डायरेक्टली प्याज का रस निकाल के लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ऑनियन, है ना। जब हम ऑनियन काटते भी है तो आपने देखा होगा आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं, नाक से पानी आने लगता है। तो यदि आप डायरेक्टली स्कैल्प पे अप्लाई कर लेंगे और आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई हो, आपने वहां पे खुजाया हुआ हो, इचिंग की हुई हो, वहां पे ब्लड निकल गया हो या कोई अदर प्रॉब्लम हो, तो आपको उससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। तो डायरेक्टली अप्लाई मत करिए। ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कभी भी आप इसे डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई मत करिए। हमेशा इसे किसी न किसी ऑयल में ही ऐड करके लगाना चाहिए। आप ऑयल में कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल या आप आलमंड ऑयल या सैंडलवुड ऑयल, किसी भी ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें इसकी कुछ बूंदे मिलाइए। इसको आप घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको जो भी ऑयल आप लगाते हैं उसको थोड़ा सा एक बाउल में रख के प्री हीट कर लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए और उसके बाद एक छोटा ऑनियन लेकर आप उसको किस सकते हैं, यानी आप उसको ग्रेट कर सकते हैं और उसके बाद एक आप छन्नी से उसको छान लीजिए और उस जूस को आप अपने ऑयल में मिला लें और उसके बाद हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पे लगाइए। जैसे हम ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, सेम उसी तरह से आपको ऑयलिंग करनी है और हफ्ते में 2 बार आप इसको ऑयलिंग कर सकते हैं। या तो आप ओवरनाइट लगा रहने दीजिए या जब भी आप हेयर वॉश करने वाले हो उसके लगभग 1 घंटे पहले आप अपने बालों में इस तरह से ऑयल अप्लाई करिए। तो ये ऑयल अगर आपको अपने सर पे डैंड्रफ की समस्या हो, जिनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, बाल बहुत ही ज्यादा पतले हैं, बिल्कुल भी घने नहीं है,
स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम रहता है, हेयर बहुत ड्राई रहते हैं, कोई साइन नहीं है, वो सभी कंडीशन इस ऑयल को लगाने से आपकी दूर हो जाती हैं। आप घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट में भी आपको अवेलेबल है ऑनियन ऑयल एंड शैम्पू, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।